गाइस ये तो हो गया रूम का, बाकी दर्शन के लिए मेरे पास कोई कुछ प्रो टिप है आप सबके लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिए जिससे आपके एटलीस्ट। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी टेम्पल, जो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में आपने देखा था, अभी मैं हूँ गोरखपुर और आज हम जा रहे हैं श्री राम लला के दर्शन करने राम जन्मभूमि अयोध्या में, और अभी यहाँ पर हो रही है शाम, तो आज रात को हम रुकेंगे अयोध्या और कल मॉर्निंग में करेंगे रामलला जी के दर्शन। अभी हम हैं गोरखपुर बस स्टॉप पे, यहाँ से हम लेंगे और ढूंढेंगे बस अयोध्या की, और अयोध्या पहुँच के आपको दिखाते हैं और बाकी भी बस पे चढ़ के आपको बताते हैं कि जो बस का फेयर है और जो कितना टाइम डिफरेंस यहाँ से रहता है गोरखपुर से अयोध्या का। तो ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो पे, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली हमें मिल गई है बस अयोध्या की गोरखपुर से, और जो यहाँ से समय लगेगा अयोध्या का वो है लगभग 4 घंटे का। जो बस का किराया है वो हमारा लगा है करीबन 200 रुपये। तो अब हम करते हैं अपनी बस राइड इंजॉय और आपको अयोध्या पहुँच के दिखाते हैं। वैसे नॉर्मली आज रात को मैं अयोध्या स्टे करूँगा और कल मॉर्निंग में रामलला जी के दर्शन करके फिर आपको आगे का प्लान बताएंगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको अयोध्या पहुँच के मिलते हैं, वेलकम। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं राम जी के अयोध्या, और 4 घंटे बाद हम पहुँचे गोरखपुर से। तो जैसे मैंने आपको बताया था गोरखपुर से हम शाम को निकले थे, और आज मेरा प्लान था अयोध्या में रात को रुकने का और मॉर्निंग में मैं करूँगा दर्शन और फिर निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो जहाँ पर आपको बस उतारेगी वहाँ पे सीधा एक वेलकम गेट बना हुआ है अयोध्या का, और वहाँ से कई इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ और बेसिक जो सिंपल ऑटो होते हैं CNG वो चल रहे हैं, बट आप वॉक करके भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा वॉकवे है और रोड है, आप आराम से वॉक करके आ सकते हैं। और बाकी अभी मेरा कुछ भी रूम या धर्मशाला बुक नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले पहुंच के वॉक करके या ऑटो में या इलेक्ट्रिक बस में आपको जाना है हनुमानगढ़ी वही एरिया है जहाँ पर मेन राम टेम्पल है और हनुमान जी का टेम्पल भी है, और आपको वहाँ जाके धर्मशाला ले सकते हैं, गेस्ट हाउस, होटल, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से वहाँ जाके अपनी पॉकेट के हिसाब से रूम, गेस्ट हाउस या धर्मशाला ले सकते हैं। बाकी मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ, तो मैं पहुँच के ट्राई करूँगा कि जहाँ पर मैं रुकूँगा मैं आपको वहाँ का भी बता दूँ, वहाँ का जो प्राइस है और जो भी सब कुछ होगा। और अभी मैंने डिनर भी नहीं किया है, टाइम हो रहा है रात के लगभग 9, तो आई होप सब ओपन होगा और मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, बाकी यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से बस उतारेगी वहाँ एंट्री गेट पे एंटर करना है आपको और वॉक करनी है हनुमानगढ़ी तक। हनुमानगढ़ी पहुँच के अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तब तक आपको मैं यहाँ की स्ट्रीट्स दिखाता हूँ। गाइस ये लाइट्स देखिए जो यहाँ लगाई गई है, नाइट के टाइम अगर आप आते हैं तो बहुत ही सुंदर लग रही है लाइटें, दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया है इस मंदिर में। तो गाइस ये है वो मेन चौक जहाँ से आपको हनुमानगढ़ी के लिए लेफ्ट लेना है, उसके बाद आपको ये ऊपर बोर्ड दिखेगा हनुमानगढ़ी का, और यहाँ यही वो एरिया है जहाँ से आपको लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है हनुमानगढ़ी, और जो रामलला का मंदिर है वो भी यही है। मेरा तो यही प्लान है कि इसी एरिया में स्टे करूँगा ताकि मॉर्निंग में रूम के पास जल्दी उठ के अपने दर्शन हो जाएं। चलिए अब अंदर चलते हैं मार्केट के और तो दिखाते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके की लाइट्स लगी हुई हैं, आपको दिख रही होगी। पक्के शेयरिंग ऑटो भी चलते हैं मेरे ख्याल 10 या 20 रुपये, ये
लेते हैं आपको पूरा राजू राम मंदिर है उसकी एंट्रेंस से थोड़ा सा पहले आपको ड्रॉप कर देंगे, बट मैं तो शायद अभी ही वॉक ही करने वाला हूँ। बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शेयरिंग रिक्शे ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, या अपना खुद के लिए प्राइवेट रिक्शा भी कर सकते हैं इनसे प्राइस फिक्स करके। तो ठीक है, अब चलते हैं और आगे और लेते हैं रूम, आपको दिखाते हैं उसके बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है आज है हमारा दूसरा दिन अयोध्या में, रात को मैं वॉक किया था, तो हमने वॉक अराउंड किया यहाँ का और हमें फाइनली गेस्ट हाउस मिल गया जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही नज़दीक था राम जी के टेम्पल से। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँगा अभी। और ये है हम, और वो जो वो आपको दिख रहा है वो है राम जी का मंदिर। तो आप देख लीजिए ये जगह जो मैंने चूज़ की थी स्टे करने के लिए कितनी पास थी। और जो इसका जो मुझे रेंट पड़ा है वो इनके पास लाइक दो ऑप्शन थे, एक प्राइवेट रूम था और एक था जो मिक्स डॉर्मेट्री होती है। तो जो रूम था उसका लगभग जो 1500 से 2000 रुपये बोला था, और जो मिक्स बेड थे वो उन्होंने 500 रुपीज़ बोला। बट जैसे आपको पता ही है कि मैं अकेला था, तो और मैंने जब वो मिक्स रूम देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो दोनों रूम खाली थे, तीन तीन बेड्स थे उसमें। और अभी फ़िलहाल इतनी भीड़ है, पर इतनी भीड़ नहीं है, नॉर्मली लोग फैमिली के साथ आते हैं। तो मैंने सोचा ऑफकोर्स मैं अकेला एक रूम ही एक बेड लेता हूँ, मतलब लाइक मिक्स बेड में एक बेड लेता हूँ, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि कोई नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ, कोई भी नहीं आया। तो इट्स लाइक अ प्राइवेट रूम। और अभी आपको स्क्रीन पे इनके नंबर शो हो रहा होगा और नाम भी शो हो रहा होगा यहाँ का, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, या आके आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, या उन्हें पहले आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। गाइस ये तो हो गया रूम का, बाकी दर्शन के लिए मेरे पास कोई कुछ प्रो टिप है आप सबके लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिए, जिससे आपके एटलीस्ट 40 मिनट से 50 मिनट तक सेव हो जाएंगे। तो देख लीजिए गाइस, मैं भी आपसे वॉक करते करते अपने गेस्ट हाउस से निकला था, और ये है टेंपल की एंट्री। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो मैंने आपको गेस्ट हाउस दिखाया है ये कितना पास है रामलीला के मंदिर से। और ये है यहाँ की स्ट्रीट और यहाँ का माहौल, तो नॉर्मली दर्शन की लाइन है वो लोग सुबह 5 बजे खड़े हो जाते हैं लाइन के लिए, बट जो दर्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 बजे तक शुरू करते हैं। तो पहले आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, उसके बाद वो गेट खोलेंगे और धीरे 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 करके आप सबकी एंट्री कराएंगे। सो फिर आपकी एंट्री के बाद आप आराम से अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। मैं बाय द वे मैं दर्शन कर चुका हूँ सुबह, तभी मैं आपको भी इस वीडियो के बीच में प्रो टिप दूंगा। और ये है रामलीला टेंपल की एंट्री और उसके गेट। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट लगते हैं मेरे जो मैंने गेस्ट हाउस लिया था वहाँ से। आप देख सकते हैं सुबह हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी, बट टाइम के साथ साथ भीड़ होती रहेगी। और एज़ पर लोकल जो फैब है अभी इसमें भीड़ कम हो गई है, और दूसरा जो वीकली जो वीकेंड है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये होता है यहाँ से होता है एग्जिट। बाकी आपको यहाँ तक कैसे आना है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। इस जगह का नाम है हनुमानगढ़ी। तो जहाँ से जैसे मैं बस से आया था, अगर आप बस से आते हैं वहाँ से बस से आप रामगढ़ी तक आ जाइए और यहीं पर रूम लीजिए, मेरा सजेशन तो ये है। तो ये है गाइस राम टेंपल की एंट्री। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके बाद हनुमानगढ़ी टेंपल में। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी टेंपल, जो आपको सामने दिख रहा होगा जो कि है ये। और अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आइएगा, चाहे आप शॉर्ट टाइम के लिए हो, चाहे आप थोड़े
एक या दो दिनों के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। मैं भी लाइक रात को पहुंचा हूं और अब 3 से 4 घंटे में मैंने निकलना है, बट स्टिल मेरे पास इतना टाइम था कि मैं राम टेंपल और हनुमानगढ़ी और यहाँ पर एक घाट है नया घाट नाम से, वहाँ पर मैं अभी विज़िट करूँगा इसके बाद। ठीक है, अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं इसके बाद क्या क्या करते हैं। दोस्तों थोड़ी गलती हो गई थी, राम हनुमानगढ़ी टेंपल ये नहीं, ये वाला है, बट ये दोनों टेंपल हनुमान जी के ही हैं तो आप दोनों विज़िट कर सकते हैं। बट जो हनुमानगढ़ी का मेन जो टेंपल हनुमानगढ़ी, ये है जो आपको ऊपर से ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये कोई और प्राचीन मंदिर है। ये तो अयोध्या राम जी की भूमि है, यहाँ हर सब कुछ ही स्पेशल होगा। तो चलिए अब अंदर जाते हैं। ये माला ले लो आप लोग, हनुमान जी के लिए आइए। तो गाइस फिलहाल हनुमानगढ़ी जी के भी दर्शन हो गए हैं। तो गाइस अभी हमारे हनुमानगढ़ी टेंपल में हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हैं और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और आराम से बैठ के आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो पे, आराम से कहीं बैठेंगे और आपको सारी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको आगे बताएंगे। सो गाइस अभी मैं हो गया हूँ फ्री रामलीला के दर्शन करके और हनुमानगढ़ी जी में हनुमान जी के दर्शन करके, और अभी जो मैं बैठा हूँ वो है एक बहुत और अद्भुत और सुंदर सी जगह जिसका नाम है नया घाट, और ये कुछ ऐसे दिखता है। सो फिलहाल मैं फ्री हो गया हूँ अब, और इसके बाद मेरा सिर्फ यहाँ से मैं जाके अपने गेस्ट हाउस जाऊँगा और वहाँ से अपना लगेज लेके यहाँ से करूँगा चेकआउट और करूँगा अयोध्या को अलविदा और जाऊँगा अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। तो गाइज़ अब मैं तो आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और जो एक टिप मैंने आपको बताया था रामलीला के दर्शन के लिए, उस टिप के बारे में भी बता देता हूँ। तो गाइज़ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप बाईपास आते हैं, आपको रामगढ़ी एरिया में रुकना है बिकॉज़ वही सॉरी हनुमानगढ़ी एरिया में रुकना है बिकॉज़ वही सबसे बेस्ट एरिया है ईजी टू एक्सेस करने का रामलीला जी के मंदिर में, और उसी एरिया में रामलीला जी का मंदिर है, उसी एरिया में हनुमानगढ़ी जी का टेम्पल है, और ये जो घाट है ये वहाँ से लगभग, ये मतलब उससे पहले 10 मिनट वॉक के हिसाब से पहले वहाँ पर आ जाता है। तो पहले ये घाट आएगा और उसके बाद हनुमानगढ़ी जी का टेंपल आएगा और उसके बाद रामलीला का टेंपल आएगा। हनुमान जी का टेंपल और राम जी का टेंपल हनुमानगढ़ी एरिया में है। सो गाइस अब जो टिप की बात है वो ये है कि अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप अपना गेस्ट हाउस, होटल या जो भी आप स्टे करना चाहते हैं आप ले लीजिए हनुमानगढ़ी एरिया में, क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी होता है। और मॉर्निंग में लगभग 6:30 बजे वो गेट ओपन कर देते हैं दर्शन के लिए, तो आप 6 बजे या 5:45 तक वहाँ लाइन पे लग जाइए, और अपने साथ ना ही कोई फ़ोन, ना ही कोई वॉच, ना ही फ़ोन, ना ही वॉच, ना ही पावर बैंक, ना ही कुछ खाने की सामग्री, और ना ही कोई झंडा, प्रसाद, फूल, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। और अगर आप ये लेके जाते हैं तो आपको एक सेपरेट लाइन में लगना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये सब जमा कराने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है, नो डाउट, कोई उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बट उस प्रोसेस में आपका एटलीस्ट 40 से 45 मिनट ख़राब हो जाएंगे बिकॉज भीड़ बहुत होती है, और आपको उसी चीज़ में लाइन में लगने में, वो अपना लॉकर लेने में आपका 40-45 मिनट ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया क्योंकि वो ऑब्वियसली अंदर अलाउड नहीं है, तो तुम आपको बाहर पहले ही अलग से सेपरेट लाइन में लगा देंगे। और इवन ट्राई कीजिए आप विदाउट स्लीपर जाइए बिकॉज उससे भी आपके कम से कम 10 से 15 मिनट बचते हैं। तो मेरे को पूरे दर्शन करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगे बिकॉज़ मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी
लेके जाके लेके जाइएगा भी नहीं, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी ले जाने का, कुछ भी एंट्री नहीं होती है। तो अगर आप इन सब के बिना जाते हैं तो एक तरह से आपको फास्ट एक्सेस मिल जाता है एंट्री का, और रामलला जी के दर्शन करने का आपको जल्दी थोड़ा मौका मिल जाएगा और आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। बाकी तो मेरा एक्सपीरियंस यही है, और बाकी अगर आपके पास सामान है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन लगती है मैक्सिमम 40 या 45 मिनट लगेंगे, आप अपना लॉकर ले लीजिए, लॉकर में आपको चाबी मिल जाएगी, और जब आप दर्शन करेंगे तो एग्जिट में वही लॉकर, वहाँ पर आप अपने लॉकर से सामान ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कुछ भी मत लेके जाइए, और जो चीज़ें वहाँ अलाउड नहीं है वो है फ़ोन, पावर बैंक, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, खाने की कोई भी आइटम, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट कुछ भी अलाउड नहीं है, प्रसाद भी अलाउड नहीं है, फूल की माला भी अलाउड नहीं है, झंडे भी अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को ना लेके जाइए। इवन जो बेल्ट वगैरह होती है शायद वो भी आपको बाहर लॉकर में रखनी पड़ती है। मैंने तो पजामा पहना था तो मुझे उस चीज़ का कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, और मैं विदाउट स्लीपर गया था बिकॉज मेरा जो रूम है वो बिल्कुल मंदिर के सामने है, तो मुझे सिर्फ एक मिनट लगा वहाँ से एंट्री करने में। और हनुमानगढ़ी टेम्पल है जो, वहाँ सब कुछ अलाउड है। इवन वहाँ अंदर पहुँच के लाइक आप अंदर वीडियो भी बना सकते हैं, जो हनुमान जी है उनकी मूर्ति की आप वीडियो भी बना सकते हैं, वहाँ सब कुछ अलाउड है, फ़ोन हो, और वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती है सब चीज़ों की, ना ही कोई आपको वो बोलेंगे कि आप साइड में रख दीजिए। तो ठीक है गाइस, बाकी एक मुझे जब ये मैंने सब दर्शन कर लिए तो मुझे एक पंडित जी मिले, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअल में जो दर्शन करने होते हैं ये आपको सबसे पहले यहाँ पे आके आपको यहाँ स्नान लेना है। तो जब आप यहाँ स्नान ले लेंगे उसके बाद आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमानगढ़ी टेम्पल में हनुमान जी का दर्शन कीजिए, और उसके बाद रामलला जी के दर्शन कीजिए। तो ये एक प्रोसेस है जो नॉर्मली लोकल लोग यहाँ फॉलो करते हैं और सबको सजेशन देते हैं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। सो पहले आपको इस घाट में, इस घाट का नाम है नया घाट, यहाँ के आपको स्नान करना है, उसके बाद आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद रामलला जी के दर्शन कीजिए। ये घाट हमेशा ओपन रहता है। हनुमान जी का जो टेम्पल है हनुमानगढ़ी, वो 4 बजे आई गेस स्टार्ट हो जाता है, तो आप सुबह 4 मतलब आके पहले यहाँ स्नान कर सकते हैं, फिर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, और फिर 6 बजे लाइन में लग के रामलला जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही है इस ब्लॉग में, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर खाने की भी ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर रेस्टोरेंट्स कुछ हैं जो खुले रहते हैं, इसके अलावा 24 आवर यहाँ भंडारा भी चल रहा है। तो अगर एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको फ्री भंडारा भी यहाँ मिल जाएगा, अगर आप उसका भी स्वाद चखना चाहते हैं तो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही है। बाकी तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि मैं जाने वाला हूँ आज आफ्टर 2 to 3 hours। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।